Hello everyone, how's it going? Hope you all are safe and having a great day and welcome back to another episode of Hyderabad Travel Series. और इसमें हम कुतुब शाही टोम्स एक्सप्लोर करने वाले हैं. सो बेसिकली कुतुब शाही डायनेस्टी जो थी हैदराबाद की, उसके जितने भी किंग्स एंड क्वींस थे और साथ में जो इम्पोर्टेंट पीपल थे उस टाइम के, उनकी टोम्स है उस एरिया में. मुझे भी ज़्यादा पता नहीं है, मतलब ऑफकोर्स जितना गूगल पे इन्फो मिला उतना रिसर्च किया है और फिर फोटोज़ देखे हैं, बट खुद से देखेंगे तो पता चलेगा कैसा प्लेस है. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट टूम जो हमने विजिट की वो थी सुल्तान कुली कुतुबुल मुल्क, हु वॉज द फाउंडर ऑफ कुतुब शाही डायनेस्टी. पहली टूम के कुछ दूर ही गोलकोंडा के सेकेंड किंग यानी सुल्तान जमशेद कुली कुतुब शाह की मजार है. यहाँ की हर टूम का आर्किटेक्चर इंडियन और पर्शियन आर्किटेक्चर का एक कॉम्बिनेशन है. ये टूम है सुल्तान इब्राहिम कुली कुतुब शाह की, जिन्होंने गोलकोंडा सल्तनत को 30 ईयर्स तक रूल किया था. कुतुब शाही डायनेस्टी के ये पहले रूलर थे जिन्होंने अपने नाम के आगे सुल्तान शब्द यूज़ किया. मौला अली दरगाह की तरह ही यहाँ पर भी आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर यहाँ का कंजर्वेशन और रेस्टोरेशन कर रही है इन कोलैबोरेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स तेलंगाना. सारी टूम्स में से सबसे ग्रैंड जो टूम है वो है सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह की. उनकी हुकूमत के वक्त कुतुब शाही डायनेस्टी अपने पीक पर थी. मैंने जस्ट नोटिस किया कि कुतुब शाही टूम से आप गोलकोंडा फोर्ट सीधे देख सकते हैं. ओके, सो कमिंग बैक टू द फोर्थ सुल्तान ऑफ दिस डायनेस्टी, सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह वॉज द फाउंडर ऑफ हैदराबाद सिटी. वो अपनी हुकूमत को गोलकोंडा की फोर्टिफाइड वॉल्स के ही आगे एक्सपैंड करना चाहते थे. इनके ही कहने पर चार मीनार और मक्का मस्जिद बनाई गई. इनकी टूम की हाइट 43 मीटर्स या अबाउट 140 फीट है, यानी कि चार मीनार से सिर्फ 5 मीटर छोटी, और चार मीनार की हाइट है 48.7 मीटर्स यानी 160 फीट. तो ये टूम है डायनेस्टी के फिफ्थ रूलर सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह की. इनकी डेथ काफ़ी यंग एज में हो गई थी, सिर्फ 33 इयर्स में. उनकी डेथ के बाद उनके बेटे अब्दुल्ला, जो उस वक्त सिर्फ 12 साल के थे, उन्हें डायनेस्टी का सिक्स सुल्तान बना दिया गया अंडर द गाइडेंसशिप ऑफ हिज मदर हयात बख्शी बेगम. तो ये है डायनेस्टी के सिक्स सुल्तान यानी सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह. कुतुब शाही डायनेस्टी में इनकी हुकूमत सबसे ज़्यादा अरसे तक चली, विच इज़ 36 ईयर्स.
ये इनकम्प्लीट टूम जो हम देख सकते हैं वो बनाई गई थी सुल्तान अबुल हसन कुतुब शाह के लिए, जिन्हें तानाशाह भी कहा जाता था। इसका रीजन ये है कि मुगल एम्परर औरंगजेब ने सुल्तान अबुल हसन कुतुब शाह को डिफीट करके अरेस्ट कर लिया था और उन्हें इम्प्रिजन कर दिया दौलताबाद फोर्ट में, और 1699 में दौलताबाद में ही उनकी डेथ हो गई और वहां के ग्रेवयार्ड में उन्हें दफन कर दिया गया। हयात बख्शी बेगम चौथे सुल्तान की बेटी थे, पांचवें सुल्तान की वाइफ और छठे सुल्तान की मदर थे। जब उनके बेटे को सुल्तान बनाया गया तब वो काफ़ी यंग था, इसलिए हयात बीबी ने ही कुछ साल हुकूमत की और उसके बाद भी वो हुकूमत में काफ़ी पावरफुल रही। कुतुबशाही टूम्स में ये अकेली लेडी है जिनकी टूम्ब किसी किंग के टूम्ब जितनी ही बड़ी है। जहाँ पर डेड बॉडी को रखा यहाँ पर नमाज जनाजा हुआ करता था। सो ये टर्किश स्टाइल गुसलखाना है। एक्चुअली यहाँ पर रॉयल फैमिलीज में से जिनकी डेथ हो जाती थी तो उन्हें यहाँ आकर गुसल दिया जाता था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ईद मुबारक टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू एंड ऑल द व्यूअर्स, एंड मे यू हैव अ वेरी प्रॉस्परस एंड हैप्पी ईद। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस, होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो या होप यू ऑल एंजॉयड द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सी ऑल सून इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बाय।